पवन चक्की विंड मिल्स एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है जिससे ना तो कभी पॉल्यूशन होता है और ये एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हवा चलनी कभी बंद होगी नहीं और हम इससे एनर्जी बनाते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये दो चीजें हैं, ये देखकर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। यही नहीं, एजेंडा 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत भी रिन्यूएबल सोर्स में विंड एनर्जी है और उसके तहत भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ साल 2070 तक भारत ने जो है MOU साइन किया है कि वो जीरो कार्बन एमिशन देशों की लिस्ट में शामिल होगा, जिसके तहत भी विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये सब है तो भारत में विंड एनर्जी मतलब पवन चक्की से ऊर्जा हम लगातार बनाएंगे और इस ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे। कहने का मतलब है पूरे देश में विंड मिल्स लगेंगी, लेकिन एक खतरा और एक ऐसी चीज जो सरकार या दुनिया का कोई भी देश की सरकार अपने लोगों को नहीं बताएगी वो हम आज आपको बताने वाले हैं। गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती थी, उसके बाद पेट्रोल डीजल से जब पॉल्यूशन होने लगा तो CNG आई और फिर उससे चलने लगी, और अब कहा जा रहा है कि इनको रिप्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, मतलब गाड़ियां चलेंगी बिजली से ताकि पॉल्यूशन खत्म हो जाए। इसी के तहत एजेंडा 2030 के लिस्ट में आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमने बात की थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा पॉल्यूशन करती है, उसका आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। वो एक कड़वी सच्चाई है जो सरकारें आपसे छुपा रही है, चाहे वो कोई भी देश हो, और आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नहीं मिलेंगे, किसी और एनर्जी पर जो है गाड़ियां चलेंगी, लेकिन सरकार आपको अभी नहीं बताएगी। उसके एजेंडा में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को खड़ा करने का एम है, टारगेट है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विंड एनर्जी भी एक ऐसी एनर्जी है जिसे आज ये कहा जा रहा है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और एक ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। जब भी हवा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है और वहां पर अगर आप पवन चक्की लगा दे तो आप एनर्जी को ले सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साल 1980 में पहली बार भारत में विंड मिल लगी थी, पवन चक्की लगी थी, और आज 2023 आते आते भारत में 42 गीगावाट की एनर्जी विंड मिल से उत्पादित की जाती है। यही नहीं, देश में 7600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जहां पर पवन चक्कियां ज्यादा लगाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो है हवा का बहाव तेज होता है और एनर्जी ऊर्जा उत्पादन करना आसान होता है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि गुजरात एक मात्र ऐसा राज्य है जो पूरे देश में जितनी भी पवन चक्की से ऊर्जा बनती है उसका 25% सिर्फ गुजरात में बनता है। अब गूगल पर ये सब बातें सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगी। अब आते हैं उन बातों पर जो आपको कोई नहीं बताएगा। गुजरात के जांगी गांव में एक क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और उस क्लास में अधिकतर बच्चे सो रहे थे। ये एक दो दिन नहीं हुआ, ये लगातार हर रोज का काम हो गया। तो बड़े आराम से टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, अगर एक बच्चा सोता है दो सोते हैं तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पूरी क्लास में बच्चे सो रहे हैं तो इसका कारण क्या है। बड़े आराम से पूछने पर बच्चों ने बता दिया कि हमारे यहाँ हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि हमारे घरों के आसपास पवन चक्की लगी हुई है, विंड मिल्स लगी हुई है। टीचर ने घरों में जाकर देखा और पाया कि जो विंड मिल्स लगी हुई हैं वह घरों में, पहली बात तो ये कि घरों के बिल्कुल पास लगी हुई हैं, दूसरी बात जो सरकारें छुपाती हैं वो ये कि पवन चक्की 24 घंटे इतनी आवाज करती है कि आप उसे सहन नहीं कर सकते। दिन में जब गतिविधियां होती हैं तो ये आवाज छुप जाती है, लेकिन जब रात को सब कुछ शांत होता है तो अगर आप अपने घर के कमरे में भी हों और पवन चक्की आपके घर के 400 मीटर की दूरी तक भी हो तो भी आपको अनबियरेबल वॉयस आएगी, मतलब आप उस आवाज को सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्लास के बच्चे सो रहे थे।
अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये सोने तक ही सीमित हो, बात यहां पर यह भी है कि जांगी गांव और आसपास के एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो जानवर थे, वो भी इससे प्रभावित हो रहे थे। और स्टडी में बताया गया कि जानवरों की सेहत के ऊपर भी फर्क पड़ने लग गया। इसके साथ साथ जो लोग थे आसपास जिनके घरों के आसपास पवन चक्की लगी हुई है, जिन एरियाज में लगी हुई है, उन्हें लगातार सिर दर्द की भी दिक्कतें रहने लगी। इसके साथ साथ एक रिसर्च रिपोर्ट ने यह भी बताया कि आसपास एक छोटी सी सेंचुरी थी और आसपास के एरिया में जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, मतलब कुछ ऐसे साल में महीने होते हैं जब दूसरे एरिया से, क्षेत्र से, दूसरे देशों से भी बाहर से जो है बर्ड्स आते हैं और वो कुछ समय वहां उस एरिया में ठहरते हैं, ये भी धीरे धीरे बंद हो गया इन विंड मिल्स के कारण। गुजरात के इस कोस्ट लाइन पर जहां पर ये विंड मिल्स लगी थी, जांगी गांव और इसके आसपास के एरिया में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जांगी गांव से लगभग 600 किलोमीटर दूर एक एरिया है जहां पर विंड मिल्स के टर्बाइन्स, मतलब विंड मिल्स के जो ब्लेड्स होते हैं जो ऊर्जा को बनाने के लिए काम आते हैं, जो घूमते हैं जब कोई भी विंड मिल्स लगी होती है, तो ये ब्लेड एक समय के बाद खराब हो जाते हैं और इनको डीकम्पोज ये कभी नहीं होते, मतलब ये रिसाइकल कभी नहीं हो सकते, तो इन्हें जमीन में मिट्टी को खोद कर यों के यों दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अब ये जो के त्यों रहते हैं जो जमीन के पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा वहां पर जिम्मेदार हैं और ये बड़ा खतरनाक है। उस जमीन पर आप कभी कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो कभी डीकम्पोज होते हैं, क्योंकि वो जिस ग्लास फाइबर से बने होते हैं वो कभी भी, वो प्लास्टिक की तरह आप कह लीजिए, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा और जों का त्यों बना रहेगा, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है आज देश नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी विंड मिल्स लगी हो। ये बातें सरकार आपको नहीं बताएगी। सरकार ने MOU साइन किया प्राइवेट कंपनियों के साथ, तो कंपनियों ने क्या किया, कंपनियों ने लोगों की जमीनें खरीदना शुरू कर दिया कि आप हमें जमीन दीजिए, हम यहां पर विंड मिल्स लगाएंगे। कुछ लोगों ने दी, कुछ ने नहीं दी। जिन्होंने नहीं दी तो कंपनियों ने उनके साथ एक सौदा किया कि हम आपकी जमीन पर ये पवन चक्की लगाएंगे और इसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। कहने का मतलब है किराए पर उनकी जमीन ले ली। अब बाय लॉ, मतलब नियम के हिसाब से ये होता है कि जब भी आप पवन चक्की लगाएंगे तो कम से कम किसी भी घर से वो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर जरूर होनी चाहिए, वरना ये मनुष्य ही नहीं, वहां पर आसपास पेड़ पौधे जानवर और जो भी कुछ है जिसमें जान है उसके लिए बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन अगर आप जांगी और इस आसपास के गांव के एरिया में देखें तो 300 मीटर पर भी, घरों के 300 मीटर पर भी ये पवन चक्कियां लगी हुई हैं। और ये कहने को तो बड़ा आसान है कि आपको रात को नींद ना आएगी इसकी वजह से, लेकिन ये हर रोज है उन लोगों के लिए, वो रात को सो नहीं पाते, दिन में भी उस पवन चक्की की आवाज से उन्हें काफी परेशानी होती है, लगातार सिरदर्द, नींद ना आना और धीरे धीरे उस स्ट्रेस की वजह से वो घातक बीमारियों का शिकार हो रही है। ये आपको कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलेगी। सरकार ये छुपा रही है, सरकार छुपा रही है जिन टर्बाइन से ग्राउंड पोल्यूशन हो रहा है, सरकार छिपा रही है इसकी वजह से आसपास के खेतों में जो अनाज हो रहा है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो वहां के एरिया के लोग झेल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जब इतना बड़ा एनर्जी का स्रोत है तो उसे ऐसे ही खत्म थोड़ी कर सकते हैं। भारत में आज 42 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है विंड मिल से, और लक्ष्य है कि इससे 2200 गीगावाट की हम करेंगे 2070 तक, जब भारत जीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग एमिशन लिस्ट में शामिल होगा। तो कहने का मतलब ये लगातार बढ़ेंगी तो इन लोगों का क्या होगा, और क्या होगा उन लोगों का जिनके घरों के आसपास ये विंड मिल्स लगेंगी। तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप कोई भी विकल्प जरूर तलाश सकते हैं, आप लोगों को ऐसे मरने नहीं छोड़ सकते, मरने देने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप सोच कर देखिए कि आपके घरों के पास ऐसे लगे हो जिससे आप दिन में तो काम करने चले जाएं और रात को आकर सो भी ना सकें, तो आपके साथ क्या होगा। आज जो शहर हैं, शहरों में मोबाइल टावर्स भी इसी तरीके की एक समस्या लेकर बने हुए हैं।
जो जागरूक लोग हैं वो इसके प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि ये बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है और वो हटवा रहे हैं, लेकिन आज भी ये समस्या शहरों में उनके साथ बनी हुई है जिनके घरों के आसपास मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन जब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर इतना जरूर कहूंगा कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम पर, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, उससे ऊर्जा तो उत्पादित कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं पॉल्यूशन नहीं होगा, जबकि वो पॉल्यूशन भी कर रहा है और वहां के लोगों के लिए उसने जीना दूभर भी कर दिया है, तो ये कहां तक ठीक है? आप न्यू इंडिया न्यू वर्ल्ड की कहां बात कर रहे हैं जब लोगों के लिए वहां पर जीना ही मुश्किल हो जाएगा, या मैं कहूं वो बीमार होकर मर ही जाएंगे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।